आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्स फनल को यूज करके आप कैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और कैसे उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। 3 साल पहले जब मैंने इस चीज की शुरुआत करी थी तो मुझे नहीं पता था कि सेल्स फनल क्या होते हैं। मुझे बस ये पता था कि वेबसाइट कोई चीज होती है और वेबसाइट हमें चाहिए अपने बिजनेस के लिए। और मैंने भी और आपने भी ये कई लोगों से सुना होगा कि अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, बिना वेबसाइट के आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। बट ये सारी पुरानी बातें थी, आज के टाइम में सेल्स फनल ही सब कुछ है और सेल्स फनल ही फ्यूचर है। अगर आप वेबसाइट बना भी रहे हो तो आई एम श्योर आप उसमें सेल्स फनल ही इम्प्लीमेंट कर रहे होगे। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको वेबसाइट बनाना नहीं अच्छा लगता है या आपको लगता है वेबसाइट में रिस्क ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, एसईओ कैसे करेंगे, ट्रैफिक कैसे लाएंगे, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखेंगे या कोई भी रीजन, तो आप डेफिनेटली सेल्स फनल ट्राई कर सकते हो। सेल्स फनल 5 मिनट में बन जाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स फनल कैसे क्रिएट करने हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि सेल्स फनल होते क्या हैं। मान लो कि जहां पे आप रहते हो उसके पास एक मैकडॉनल्ड का स्टोर है, ठीक है। आपको बर्गर खाने के लिए जाना है और आप बर्गर खाने जा रहे हो और वो बर्गर की कॉस्ट है 50 रुपए। जब आप मैकडॉनल्ड के स्टोर पे एंटर होते हो, आप जो सेल्स पर्सन होता है, जो पर्सन सामने काउंटर पे खड़ा होता है, आप उसको कहते हो कि भाई एक बर्गर दे दो और वो बर्गर की कॉस्ट है 50 रुपए। जो सेल्स पर्सन होता है वो आपसे कहता है कि सर आज एक ऑफर चल रहा है, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक लेना आपको 250 रुपए में पड़ जाएगा। तो आप कहते हो कि अरे वाह इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, तो आप कहते हो कि ठीक है मैं 250 रुपए देता हूँ, मुझे फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आप 50 रुपए खर्च करने गए थे लेकिन आप 250 रुपए खर्च करके आए हो। तो ऐसे ही कुछ सेल्स फनल काम करते हैं। सेल्स फनल एक तरह के पाइपलाइन जैसे होते हैं, जैसे एक हमारे घर में पाइप होती है वैसे ही सेल्स फनल होते हैं। बंदा सामने से जाता है, एक तरफ से जाता है और वो अंदर ही घूमता रहता है और फिर बहुत देर बाद सेल्स फनल का एंड आता है, ठीक है। अब इसको हम अपने ऑनलाइन बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आप अभी देखो। जैसे कि आपने कई फेसबुक पे एड देखी होंगी या गूगल पे या बिंग पे या आपने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखी होंगी कि लोग कहते हैं कि आप ये ई बुक ले लो, आप वेबिनार ले लो, आप फ्री सेशन ले लो, आप ये स्ट्रेटेजी बुक ले लो, बट बदले में हमें अपना ईमेल एड्रेस और नाम दे दो। कभी आपने ये सोचा है कि वो इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप उनको अपना नाम और ईमेल एड्रेस दोगे तो आपका ईमेल एड्रेस जाएगा एक ऑटो रिस्पॉन्डर में। ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल मार्केटिंग का ही पार्ट होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे यूज करना है अपने बिजनेस के लिए। तो फिर आप जैसे ही उनको अपना ईमेल एड्रेस दोगे तो डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे आपको ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे। जब आप उन ईमेल्स को खोलोगे तो उसमें एक लिंक होगा, जो लिंक एक सेल्स पेज पे जाता होगा। वो सेल्स पेज पे एक कोई प्रोडक्ट सेलर होगा जो कि बहुत छोटा प्रोडक्ट होगा जिसकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी, मान लेते हैं कि $1 या $2 होगी। तो आप क्या करोगे, $1 खर्च करके वो प्रोडक्ट ले लोगे, ठीक है। जैसे ही वो आप प्रोडक्ट लोगे फिर आपको और ईमेल्स आएंगे और फिर वो और ईमेल्स एक बड़े प्रोडक्ट को सेल करेंगे जिसकी कॉस्ट अब होगी $10। तो आप कहोगे यार ठीक है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा मुझे कुछ इससे सीखने को मिलेगा, फायदा बहुत ज्यादा होगा वगैरह वगैरह, आपको ये सब थॉट्स आएंगे तो आप वो $10 का प्रोडक्ट बाय कर लोगे। बट जैसे ही आप बाय करोगे फिर आपको ईमेल्स आएंगे जिसमें आप एक बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा जो कि $100, $200, $300 का होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि कैसे कैसे सेल्स फनल में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसी ही कुछ शेप होती है सेल्स फनल की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यार अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।